पूछ लेना, कल से एडिटर आईडी मेंशन करना अपने नाम के साथ में। ओके सर, ठीक है। अगली, हमारे पास मान लो मैंने इस पर्टिकुलर टीडी को नहीं लिखा होगा, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट कैसे किया जाता है? कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश का यूज कर रहा हूँ, शिफ्ट के बगल में है क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है, कंट्रोल के साथ में दबा रहा हूँ। मैंने इसे सेव किया कंट्रोल प्लस एस, जाकर मैं पेज पर देखूं तो एक टीडी मैंने गायब करा, कौन सा नंबर का? तीन नंबर का। जब मैं तीन नंबर का गायब करता हूँ तो ये अंकित किधर आ जाता है? सीरियल नंबर के साथ में आ जाता है, ठीक है। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि दो कवर कर जाए सीरियल नंबर इस पर्टिकुलर तीन पर, और ये अंकित जहां पर था वहीं पर जाए, ठीक है। मीन्स मैं इसको रो वाइज बढ़ाना चाहता हूँ, किसको? टू को। अगर मैं टू को रो वाइज बढ़ाना चाहता हूँ तो टू पर जाऊंगा, और जैसे मैं कॉलम्स को बढ़ाना चाहता हूँ तो कॉल स्पैन का यूज कर रहा हूँ, रो को बढ़ाना चाहता हूँ तो किसका यूज करूंगा? रो स्पैन का। मैंने रो स्पैन लिख दिया, कितना? दो बढ़ानी है ना, तो दो। मैंने रो स्पैन टू लिखा, कंट्रोल प्लस एस सेव, और जाकर पेज पर देखूं तो क्या होगा? रो बढ़ गई दो, ठीक है। तो रो स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन क्या होता है, ये पहला इंटरव्यूअर क्वेश्चन है, ठीक है। उससे पहले इंटरव्यूअर पूछ सकता है डॉक टाइप क्या होता है, जो डॉक टाइप एचटीएमएल ऊपर लिखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो वो एचटीएमएल 5 की इंडिकेशन है, आप एचटीएमएल 5 के वर्जन पे काम कर रहे हैं उन टैग्स का यूज कर सकते हैं पेज के अंदर बनाते समय, ठीक है। वो क्या है? ऑडियो, वीडियो, स्पैन, मिसेज के जो टैग्स है। यहाँ पर आप पेज पर आए, आप टेबल पर हर एक बॉक्स को, हर एक जो डब्बा बना हुआ है उस डब्बे को बोला जाता है सेल। जो भी डब्बा आपने बना रखा है, ये डब्बे डब्बे बने हैं, इन डब्बों को बोलते हैं सेल। एक्सेल में भी सेल बोलते हैं, अगर आपने एक्सेल कभी पढ़ा हो, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर एक सेल और दूसरे सेल के बीच में स्पेस देना चाहें, एक डब्बे और दूसरे डब्बे के बीच में अगर स्पेस देना चाहें, तो हम टेबल पर यूज करेंगे सेल स्पेसिंग। इस टाइप का यूज करूंगा, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। कितना देना है? बाय डिफॉल्ट मैंने कोई भी एक, लेट्स से 10 पिक्सल का स्पेस दे दिया, तो चारों कॉर्नर्स से, फ्रॉम ऑल द फोर कॉर्नर्स दिस स्पेस विल बी 10 पिक्सल, जो भी मैंने लिखा है। तो क्या हो रहा है, हर एक डब्बा और दूसरे डब्बे के बीच में 10 पिक्सल का क्या हो जा रहा है, गैप हो जा रहा है। अगली चीज, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो देखो, अमित है या वन है वो डब्बे के अंदर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे क्या है, सटा हुआ है, ठीक है। अगर आप सेल के अंदर वाले डेटा को मूव करवाना चाहते हैं, सेल के अंदर वाले डेटा को, तब आप यूज करते हैं अंदर के लिए जो यूज होता है सेल पैडिंग होता है। पैडिंग का मतलब इनसाइड द एलिमेंट होता है, वर्ड का मतलब समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। डिजाइनिंग करते समय पैडिंग, पैडिंग का मतलब इनसाइड एलिमेंट होता है, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर मुझे गैप चाहिए तब क्या यूज होगा, पैडिंग यूज होगा। मैंने पैडिंग लिखा और यहाँ पर डिफाइन कर दिया, लेट्स से कितना, 5 पिक्सल, ठीक है। कुछ भी एक पैडिंग मैंने डिफाइन कर दी, और जाकर मैं पेज पर देखूं तो 5 पिक्सल मतलब थोड़ा सा क्या बन रहा है, ये बन बिल्कुल सटा हुआ था, थोड़ा सा गैप आ रहा होगा। थोड़ा बढ़ा कर देख लेते हैं, ठीक है। मैंने 15 पिक्सल का गैप दे दिया, कंट्रोल प्लस एस, जाकर पेज पर देखूं तो मुझे 1 पिक्सल का गैप। बट जब मैंने पैडिंग यूज करी, आप नोटिस करो वैसे ये टेबल के साइज पर फर्क पड़ा, ऐसा ना हो इसके लिए CSS है, ठीक है। ऐसा ना हो, जब मैंने पैडिंग दी तो पैडिंग देने से क्या ना हो, साइज पर फर्क ना पड़े। अभी नोटिस करना, ये पॉइंट है अभी के लिए, क्योंकि आंखें पढ़ाती हैं मेरे दोस्त, किताब नहीं पढ़ाती हैं, आंखें पढ़ाती हैं। इसीलिए बाकी कंट्रीज में जो पढ़ाई करने का कॉन्सेप्ट हो गया, आज रोबोट पढ़ा रहे हैं या वीडियोस पे आप देख के चीजों को पढ़ते हैं आंखें, क्योंकि आंखें ज्यादा पढ़ाती हैं। आपको छुरी में किताब में कॉपी में लिखवा दूं, सेल पैडिंग मतलब ये होता है, तो आपको उसको समझ में आया, कुछ नहीं है। आंखों ने दिखाया आपको, जब मैंने सेल पैडिंग दी तो स्पेस तो हुआ, उस डेटा पर स्पेस हुआ है वन पर, मगर पैडिंग देते ही साइज पर फर्क पड़ा है। तो साइज पर फर्क ना पड़े तो CSS में बॉक्स मॉडल होता है, कुछ नहीं है, आपको सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, बॉक्स साइजिंग
कोलॉन बॉर्डर बॉक्स ऐसा कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही वो लिखते हैं तो साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। ये हमने सिंपल सा टेबल के अंदर कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि भाई टेबल कैसे बनती है। अच्छा, टेबल में एक चीज और है, अगर आप टेबल बनाते हैं तो आप लिख सकते हैं किसको, कैप्शन। बनाने से, जैसे रो बनाने से पहले मैंने लिख दिया है, क्या लिख दिया, एम्प्लॉय डेटा, कंट्रोल प्लस एस, सेव किया। जाकर मैं इस पेज को देखूं तो आपको क्या दिखाई देगा, एम्प्लॉय डेटा कैप्शन, ठीक है। कल के दिन किसी बच्चे ने मेरे से अगर ये कह दिया कि सर वो एम्प्लॉय डेटा आपने ऊपर हेडिंग बना रखी है, उसको नीचे चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैं सीएसएस से कर सकता हूँ, कैप्शन के साइड को ऊपर से नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। हर एक बात को समझना है, और वो पार्ट सीएसएस के अंदर है। अभी हमारे पास सिंपल सा, मान लो अभी ये चीजें किसके अंदर थी, ये हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो अभी अब जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां पर आप यूज करते हैं टी हेड, टेबल की हेडिंग का एरिया है, ठीक है। किसके अंदर डाल दिया मैंने इसे, टी हेड के अंदर, टेबल की हेडिंग्स। और अगला डेटा किसका है, बॉडी का है, टेबल की बॉडी का, तो क्या यूज किया जाता है अभी, टी बॉडी। तो टी बॉडी के अंदर आप ये डेटा डालते हैं। बंदा टीचर क्या है, आपको स्किप करता है यार इन बातों को, इसलिए स्किप करता है क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्किप करनी पड़ती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ऐसे तो। अब यहाँ पर टी बॉडी के अंदर ऐसे डालते हैं, ये बॉडी का सेक्शन है और ऊपर वाला किसका सेक्शन है, हेडिंग का सेक्शन है। और यहाँ पर हमने सेव किया, और जाकर मैं पेज पर देखूंगा तो मुझे वैसा ही दिखने वाला है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो टी एड के अंदर हेडिंग्स वाला सेक्शन डाल दिया और बॉडी के अंदर बॉडी वाला सेक्शन। ये इन फ्यूचर काम आएगा क्योंकि अभी बहुत सारा बच्चा यहाँ पे बीसी बीसी वाला है, ठीक है। उसके लिए मैंने बता दिया कि भाई अब ऐसे यूज करते हैं टेबल हेड। टी हेड क्या है, अब अगर आपको पूरी हेडिंग्स में कोई चेंजेस करने हैं तो आप टी हेड को ही सिंपल सा सीएसएस पे टारगेट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले जो पढ़ाते थे वो कैसे पढ़ा देते थे, टी आर टी एच टी डी ऐसे पढ़ा देते हैं बस, ठीक है। अभी क्या है, टी हेड। अब देखो टी हेड मतलब टेबल की हेडिंग, ये एक सिमेंटिक टैग है। एचटीएमएल में दो कैटेगरी के टैग है, एक सिमेंटिक और एक नॉन सिमेंटिक। सिमेंटिक मीन्स जिस टैग को देखकर आप और ब्राउजर इजीली समझ जाए, जैसे कि टेबल। अगर सिंपली मैं टेबल बोलूं तो आपको कुछ ऐसे तो पता चल जाएगा कि टेबल बनती होगी इससे, चाहे आपने पढ़ा हो या ना ही पढ़ा हो, कोई भी बंदा रिकमेंड कर सकता है कि टेबल मतलब टेबल बनती होगी भाई। अगर मैं आपसे बोल दूं डिव, तो जब तक मैं पढ़ाऊं ना तब तक आपको पता ही नहीं डिव होता क्या। आपसे बोला जाए टाइटल तो आप समझ सकते हो, टाइटल मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर जो आता है उसे बोलते होंगे टाइटल। अगर मैं बोल दूं स्पैन, जब तक मैं स्पैन पढ़ाऊं ना तब तक आपको नहीं पता। तो ऐसे टैग्स जिन्हें डेवलपर और ब्राउजर इजीली नहीं समझ सकता है वो नॉन सिमेंटिक कैटेगरी के टैग होते हैं, और ऐसे टैग जिन्हें ब्राउजर्स और डेवलपर इजीली समझते हैं वो सिमेंटिक कैटेगरी के टैग हैं। तो टी हेड क्या है, टेबल की हेडिंग, सिमेंटिक कैटेगरी का टैग। टेबल क्या है, सिमेंटिक कैटेगरी का टैग। टाइटल क्या है, सिमेंटिक कैटेगरी का टैग। अब ऐसा नहीं कि लिस्ट बनानी है कि भाई सिमेंटिक कैटेगरी के कौन कौन से टैग होते हैं, नॉन सिमेंटिक के कौन से होते हैं, ऐसी कोई लिस्ट लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं। ज्यादातर जब भी हम पेज बनाएं तो मैक्सिमम सिमेंटिक कैटेगरी के टैग को यूज करें, क्योंकि जब हम सिमेंटिक कैटेगरी के टैग को लिखते हैं तो पेज पर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग कल के दिन करानी है कि कोई गूगल पे सर्च हो मेरी वेबसाइट उससे पहले आए, तो सिमेंटिक कैटेगरी के टैग एसईओ पर्पज के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। इस बात को समझना है, इसीलिए हम आज की डेट में नए नए टैग्स जो बने हुए हैं उनका यूज कर रहे होते हैं। लोरी का ऐसे समझना है बात, किताबों में क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा कुछ ना कुछ चेंज होता चला जाएगा, ठीक है।
आपने पेज पर इमेज लगानी है। तो इमेज कैसे लगाते हैं, मान लो मैं एक पेज बनाता हूं, मैंने लिखा प्रोफाइल डॉट एस टी एम एल, शिफ्ट प्लस एक्सक्यूटिव मार्क ऑल्ट प्लस जेड, यहां पर हम सिनारियो पर आए, मुझे पेज पर क्या लगानी है, इमेज लगा। तो इमेज लगाने के लिए टैग होता है कौन सा, MGSRC। सोर्स पे जो भी सोर्स आपने देना है वो सोर्स कहां पर है, इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर होना चाहिए, ठीक है, जो कल हमने फोल्डर बनाया होगा उसके अंदर। मैंने यहां पर लिखा क्या, इमेजेस फ्लैश कौन सा, लोगो डॉट png, अल्टरनेट ALT, मतलब ये इमेज अगर नहीं खुले किसी ब्राउजर पर तो क्या लिखा हुआ है, तो क्या हो, तो अल्टरनेट पर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली जब डेवलपर एंड पर आप जाएंगे तो आप इमेज का नाम ही लिख देते हैं, अगर ये इमेज ना खुले तो उसकी जगह पर इमेज का नाम लिखा हुआ है। ऐसा किस ब्राउजर्स पे हो सकता है, पुराने ओल्ड ब्राउजर पे हो सकता है ऐसा, नहीं खुले इमेज। आज की डेट में आप क्रोम यूज कर रहे हैं, मोजिला यूज कर रहे हैं, ओपेरा कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, नहीं खुली इमेज, तो उस टाइम पर क्या लिखा हुआ जाए, ये रिकमेंड है अल्टरनेट, ये चीज लिखी, कंट्रोल प्लस एस, सेव किया मैंने जाकर, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर, जाकर पेज पर देखूं तो मुझे पेज पर क्या दिखनी चाहिए, वो पर्टिकुलर इमेज दिखनी चाहिए। अब ध्यान देना पर्टिकुलर इमेज हमारे पास है या नहीं है, उसके पाथ पर नोटिस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लोगो डॉट png ये बनाई है ना मैंने पेज, ठीक है, इस इमेज को लगा रहे हैं हम, कौन से पेज पर, प्रोफाइल डॉट इस पेज पर, ठीक है, यहाँ पर फिर से नोटिस करना पाथ, तो ठीक है, SRC मैंने लिखा is equal to images folder slash logo dot png, अगर नहीं खुलता है तो alternate, और alternate पर वही नाम क्या, logo dot png, control plus s, right click, open with live server, नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही है तो फिर दूसरी इमेज को लगा कर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इमेज लगाने का तरीका यही है, read only base पर है, तो एक इमेज और डालते हैं इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर इमेज, इस फोल्डर के अंदर क्या किया मैंने, तो एक इमेज डाली, गूगल किया सर्च, ऐसे कोई भी एक इमेज सर्च कर ली, मैंने सर्च किया एनवायरमेंट इमेजेस, तो दूसरी इमेज चेंज करके देखते हैं, हालांकि लगनी चाहिए थी, फंसते नहीं उस जगह पर, क्यों नहीं हो रहा है देख लेंगे बाद। यहाँ पर हम लोग इस इमेज को लेट्स से मैंने सिलेक्ट किया और क्या कर लिया, सेव इमेजेस एस, और उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर डाल देना, डिकेट के अंदर HTML न्यू सितंबर, इसके अंदर कौन सा इमेजेस, लेट्स से इस इमेज का नाम मैंने लिखा ENV, सेव करते समय बस ध्यान देना है JPG, PNG और SVG फॉर्मेट का ध्यान देना है, सेव किया और जाकर पेज पर देखा, बस इस इमेज की जगह पर पाथ चेंज करके देखा, इसका दूसरी इमेज डाल के देखा, इमेजेस स्लैश कौन सी इमेज env.jpg, यहाँ पर कोई भी एक अल्टरनेट नाम, लेट्स से मैंने नाम लिख दिया लोगो, ठीक है, कोई भी एक नाम लिख दिया, और जाकर पेज पर देखते हैं कि ये लोगो लगा हुआ आता है या नहीं आता है, तो उस क्या मैंने इस पेज पर प्रोफाइल डॉट पीएचपी पेज पर आ रही है इमेज। अच्छा नोटिस करते हैं अभी दोबारा से, यहाँ पर नोटिस करते हैं इस अल्टरनेट पर, मैंने लिखा png, ठीक है, डॉट png ऐसा लिखा है, ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने लोगो डॉट png लिखा और जाकर पेज पर देख रहा हूँ, ये इमेज नहीं लग रही शायद, ये कोई एरर नहीं है, ठीक है, मैं बस चेक कर रहा था कि कहीं अल्टरनेट पे डॉट png लिख कर तो कुछ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत, ठीक है, बट अल्टरनेट पर ऐसा नहीं है, वो बस इमेज नहीं लग रही है, ठीक है, इमेज चेंज करवानी पड़ेगी, वो कहना पड़ेगा कि भाई ये जेपी इमेज नहीं लग रही, दोबारा से एक JPG या फिर png बना कर दे, ठीक है, बस तरीका वही है, इमेजेस स्लैश दिस पर्टिकुलर इमेज। अब जो इमेज हमारे पास पेज पर आ रही है वो जितना साइज की डाउनलोड हुई है उतने पूरे पूरे साइज की हमारे पास कहाँ पर, पेज पर बन जाती है। इसका साइज छोटा बड़ा करना है तो आप इमेज के साथ में हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने हाइट एक डिफाइन कर दी कितनी 200, बाय डिफॉल्ट पिक्सल में ही होता है, अगर आप 200 लिख के छोड़ दें, वरना आप px पीछे लिख सकते हैं,
अगर आपने लिखा 200 pixels तो ये हमारे पास क्या होगी, हाइट और विड्थ। जाकर पेज पर देखो तो क्या होगा, पेज का साइज 200 × 200 आपने मेंशन कर दिया है। आज की डेट में आप आईएनजी टैग को, ये पर्टिकुलर जो टैग आपने लिखा है, इस पर्टिकुलर टैग को आप फिगर के अंदर लिखते हैं। फिगर से तो आप पहचान सकते हो ना कि आप फिगर बना रहे हैं। फिगर मतलब क्या, इमेज। ये कौन सी कैटेगरी हो गई, सिमेंटिक कैटेगरी। सिमेंटिक कैटेगरी के अंदर वही लिखना है आपने, कोड कौन सा, जो एनडीएसआरसी था वही कोड लिखा, ठीक है। बट किसके अंदर लिखा, फिगर के अंदर, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी सिमेंटिक आपने क्रिएट कर दी है। सिमेंटिक कैटेगरी के अंदर आपने फिगर लिखा और एनडीएसआरसी आपने डाला है, बनेगी तो इमेज ही, ठीक है, बनने वाली इमेज ही। थोड़ा गैप बढ़ रहा है, ठीक है, पैडिंग वेडिंग बढ़ रही है, कुछ मार्जिन मार्जिन बढ़ रहा है, ठीक है, बट सेटिंग तो हमें सीएसएस से करनी है। अभी बटन दे दो, क्या दिक्कत है इसकी। मगर फिगर टैग यूज किया, अब फिगर टैग के साथ में आप यूज कर रहे हैं फिगर का कैप्शन। क्या ऐड कर सकते हैं, फिगर कैप्शन, जैसे होता है कोई इमेज बनी होती है उसके नीचे फिगर वन फिगर टू ऐसा कुछ चाहिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, फिगर वन कंट्रोल प्लस एस, जाकर पेज पर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, फिगर वन दिख रहा है, फिगर वन कैप्शन भी। तो फिगर टैग यूज किया जा रहा है, फिगर टैग के अंदर इमेज आपने बना रखी है, एनडीएसआरसी से ही इमेज बन रही है, ऐसा थोड़ी फिगर से इमेज बन रही है। फिगर के साथ में फिगर कैप्शन लिखना चाहो लिखो फिगर कैप्शन, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, दिस इज ऑप्शनल। ये पर्टिकुलर चीज क्या है, ऑप्शनल है। आपको इसे बीच में लेके आना है फिगर वन को, सीएसएस अलाइनमेंट करनी है बेसिकली, ठीक है, अलाइन करना चाहते हैं तो आप सीएसएस का यूज करेंगे, डिजाइनिंग का पार्ट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग टैग को पढ़ रहे हैं, समझ आ रही है बात, ठीक है, नई चीजें किस तरीके से चीजें चेंज हुई हैं, बस टैग चेंज कर दिए गए हैं, सिमेंटिक कैटेगरी के चेंज टैग आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। एनडीएसआरसी की जगह पर आप फिगर के अंदर एनडीएसआरसी लिख रहे हैं, टेबल को आप टी आर टी एच ही लिख रहे हैं, बट टेबल के हेडिंग सेक्शन को टी हेड के अंदर डाल दे, ठीक है। लिस्टिंग में तीन तरीके की लिस्टिंग है बाय डिफॉल्ट, तो ऐसे टैग्स हैं जिन टैग्स पे हम लोग समझते हुए आगे पढ़ेंगे। पहला वीक थोड़ा स्लो होगा, ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। अब मैं जो आपको डेटा पढ़ाया गया है, जो भी ये डेटा पढ़ाया गया है, कौन सा क्लोज कर दे, यहाँ पे सिंगल है ना, जैसे क्लोज, ठीक है, जैसे बीआर क्लोज किया वैसे क्लोज नहीं होगा। ये क्या है, जो टैग्स, कुछ टैग्स तो क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं और क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। कुछ टैग क्या है, सिर्फ स्टार्ट ही होंगे या क्लोज भी होंगे तो अपने ही अंदर हो जाते हैं। इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या आपने यहाँ पर आईएमजी लिखा है फिर आईएमजी को ऐसे क्लोज करने की जरूरत, ठीक है, क्योंकि ये फिगर को क्लोज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्लोज करूँ तो क्या क्लोज होगा, इसी के अंदर, यहाँ पर जैसे बी आर किया हमारी जगह सर लॉरेन लिख के अपने जो 30 लिख देते हैं पैराग्राफ के लिए, तो उसी लाइन पर, हां उसी लाइन पर 30 लाइन 30 वर्ड्स सर पढ़ने के पैराग्राफ के साथ, हां पैराग्राफ के अंदर। सर पैराग्राफ मतलब कैसे क्या करना पड़ेगा सर? अरे कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इसे पी लिखा है, ठीक है, इस पी के अंदर आपने लिखा लॉरेन और 30 वर्ड्स डाल दिए, एंटर प्रेस किया, कितने वर्ड्स आ गए, 30 वर्ड्स। सर मेरा तो ऐसे आ रहा है, ये 15 लिखा हुआ है ना, इसी लाइन में पूरा आ रहा है, पूरा लिखा हुआ। जब सेव, जब यहाँ पर सेव करेगा ना तो पैरा एक ही लाइन है, क्योंकि वो पेज के हिसाब से आ रहा होगा, एक ये वाली है ना, 30 वर्ड्स लिख रहा हूँ तब, क्योंकि अगर 15 ही लिखता तो एक ही लाइन बनती ना, ये तो वर्ड्स ज्यादा है तब नीचे अगली लाइन पर आ रहा है। लॉरेम इप्सम क्या हेल्प कर रहा है, पढ़ने के लिए हेल्प कर रहा है बेसिकली, डेटा आप कल के दिन चेंज कर सकते हैं। अच्छा गगनदीप, मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, ठीक है, आप ग्रुप में ऐड हो गए हैं गगनदीप? हाँ जी सर, ग्रुप में ऐड हूँ मैं। ग्रुप में ऐड हो आप? हाँ जी ग्रुप में ऐड हूँ सर। आवाज आ रही है गगनदीप? हेलो गगनदीप, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। देखो आप इस ग्रुप में ऐड हैं। हाँ जी, एक आपने कल ग्रुप का लिंक भेजा था तो
उसमें ऐड हूँ मैं। ठीक है, तो वो WD 11/30 सितंबर ऐसा कुछ बताया है ना। हाँ हाँ संदीप एक काम करना मेरे दोस्त, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना कल वाली और आज वाली, मैं शेयर कर दूंगा लिंक क्रिएट करके गूगल, उससे गूगल ड्राइव में डाल देना इनको, और वो लिंक जो है शेयर कर देना। ठीक है, जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है बस उस पे तुम्हें गूगल ड्राइव पर डाल देना वीडियोस को और उसे शेयर कर देना। ठीक है, तो उस पे आप दोबारा से सुन सकते हो, क्योंकि पहली बार में बहुत कम ऐसा होगा किसी को 2% आएगा, किसी को 0 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि चीजें अलग है ना, आप पढ़े हो थ्योरी 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 से हिसाब से, ठीक है, आप अचानक से आप ऐसा प्रैक्टिकल सुनोगे कुछ अलग ही सुनने लगोगे तो किसी को 0 भी आ सकता है। किसी को ऐसा लग रहा होगा खाली बैठ गया यार इस क्लास पे, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि यार ठीक है अच्छी क्लास है। ठीक है, तो हर एक का स्टैंडर्ड अलग अलग है, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग लेवल है, तो इसीलिए इसको एक तो ग्रुप में डालना। ठीक है, गगनदीप एक ड्राइव बनाकर डाल देने वाला है। दूसरा काम मैं आप लोगों की एक हेल्प कर रहा हूँ, क्या जो मैंने पढ़ा रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया है पर्टिकुलर फोल्डर, ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट है, आपको शुरू शुरू में दिक्कत होगी, मैंने इसीलिए बोला शुरुआत में भाई दिक्कत होगी। ठीक है, इसीलिए पहला वीक तो समझने में लगाओ, टाइम नहीं समझ में आता है तो पहले वीक पर मेरे को परेशान करो। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाओ, यूकैट पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था, उस पर्टिकुलर फोल्डर को जैसे कल क्रिएट हुआ है उसी के अंदर, कल तो 15 था ना, यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है HTML सितंबर न्यू बैच, ये है 11 वाला। इस फोल्डर का मैं राइट क्लिक करके जिप बना दे रहा हूँ, ऐड टू आर्काइव। ओके, ठीक है, इस फोल्डर को मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, इसको इस जिप फाइल में। आप कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने सिस्टम पर विनरार एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। अगर आप मोबाइल पर यूज कर रहे हैं तो रार करके एक प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, ठीक है, आपने इसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। जब आपके पास ये फोल्डर कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में होगा, ठीक है, जब आप डाउनलोड करोगे तो ऐसा आएगा, आपने उस फोल्डर पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू HTML 11 या जो भी एक्सट्रैक्ट हियर कर देना बस, तो ये फोल्डर फिर से कन्वर्ट हो जाएगा कैसा, इस तरीके से। जब आप राइट क्लिक करोगे इस पर, राइट क्लिक करके आपने एक्सट्रैक्ट टू HTML समथिंग कर दो या फिर क्या कर दो, एक्सट्रैक्ट हियर कर दो, जैसे मैंने करवा दो एक्सट्रैक्ट टू HTML 11। अगर मैं ये करूंगा तो ये फिर से कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और अब इस फोल्डर को आप VS कोड से ओपन कर सकते हो, कोड को देखने के लिए यहाँ पर आप फाइल पे जाओगे, ओपन फोल्डर पे जाओगे, जहां पर भी वो फोल्डर होगा उसको क्या कर दोगे, ओपन कर लोगे फिर से। ठीक है, तो विनरार सॉफ्टवेयर यूज करना है, विनरार को डाउनलोड कर लोगे। क्यों ऐसे जिप फाइल क्यों भेजनी पड़ती है, क्योंकि भाई एक व्हाट्सएप पे लिमिट है फाइल्स भेजने की, ठीक है, तो अलग अलग फाइलें नहीं भेजी जा सकती हैं, तो व्हाट्सएप के ग्रुप पर मैं उस जिप फाइल को आपको शेयर कर दे रहा हूँ। तो वीडियो तो किसके पास है, गगनदीप ग्रुप पे डाल देगा, ठीक है, ड्राइव बनाकर वीडियो वहां से सुननी है और कोड ही आपके पास है और प्रैक्टिस करनी है। शुरू शुरू में नहीं समझ में आएगा तो सिस्टम लेके आना है यहाँ पर, क्या समझ में नहीं आया सिस्टम से करा कर। ओके सर, ठीक है, 20 मिनट अभी ये रुक जाना है यहाँ पर, जैसे क्लास खत्म होगी तो 20 मिनट यहाँ रुक जाना है, पहले पूछ लेना आपको सिस्टम में कि सर मैं ये कर रहा था मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है, शुरू में आप ट्रैक पे आ जाएंगे तो फिर आपको बाकी आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, कोड भी मिला है और वीडियो भी मिली, अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आया तो फिर मैं क्लियर, चलो आज इतना ही पढ़ता हूँ। स्टॉप कर दो जल्दी रिकॉर्ड। Thank you.